बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटर के अंदर कि हम एक किस तरह से वैल्यूज़ को अपने फॉर्म से डेटाबेस के अंदर हम किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं, या अपने डेटाबेस के जो टेबल्स हमारे पास जो मौजूद हैं उनके अंदर किस तरह से यूज़र्स की वैल्यूज़ को सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो हमें काम करना होगा वो हमें बनाना होगा एक डेटाबेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं और मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और मैं इसके अंदर फिलहाल मैं इसके अंदर 4 कॉलम ले रहा हूँ, हम इसे कर लेते हैं 5 फील्ड हम फिलहाल ले लेते हैं इसके अंदर। एंड ये करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से टेबल हमें के टेबल के कॉलम्स के नाम किस तरह से देंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे एक फील्ड, इसको मैं नाम दूंगा आईडी का इंटीजर। जारी बात है कि आईडी है तो उसकी डेटा टाइप होगी वो होगी इंटीजर, और उसकी मैं लेंथ ले लेता हूँ 20। फर्दर मूव करते हैं तो हमें ऑटो इंक्रीमेंट के बॉक्स पे हमें चेक लगाना होगा, और ताकि ये प्राइमरी की बन जाए, और ये प्राइमरी की बन चुकी है और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हम लेते हैं स्टूडेंट का नेम, ये हमारे पास हो जाएगा वर्ड 4, और मैं इसकी लेंथ ले लेता हूँ 100। नेम के बाद हम लेते हैं एक और फील्ड ईमेल, और मैं इसको भी ले लेता हूँ वर्ड 4, और ये भी ले लेता हूँ मैं 100। उसके बाद हम लेते हैं एक फील्ड पासवर्ड, डेटा टाइप इसकी मैं ले लेता हूँ वर्ड 4, और ये भी मैं 100 ले लेता हूँ। और लास्ट जो मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ कि किस टाइम पर हमारा रिकॉर्ड जो इंसर्ट हुआ है, तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ क्रिएटेड का क्रिएटेड @, और मैं यहाँ पर उसकी डेटा टाइप ले लेता हूँ डेट टाइम, और यहाँ पर आके उससे कर देता हूँ सेव। तो जब हमने सेव करेंगे तो हमारे पास अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और क्रिएटेड ऐड हमने इसके अंदर फील्ड दिए, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस का काम तो हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने कोऑर्डिनेटर के अंदर, और क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप, तो सबसे पहले हम जाएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर, और मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि कौन सा वर्जन पे मैं काम करूँगा। तो मैं काम कर रहा हूँ 4.3 पर। आप 4.3 या 4.2 जिसके ऊपर आप करना चाहें कर सकते हैं, जिसको आप यूज़ करना चाहें। और उसके बाद हम जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कंपाइल्ड सीएसएल एंड जेएस डाउनलोड कर लें, या फिर सोर्स फाइल पे जाकर जो सेकंड वाला ऑप्शन है, तो मैंने सोर्स इसको डाउनलोड कर लिया। तो मैंने सेकंड जो ऑप्शन है इसको मैं अपने पास ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, और इन फाइल्स को मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास वो फाइल्स हैं, इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये फोल्डर आ गया बूटस्ट्रैप 4.3। इसके अंदर मजीद जाएंगे तो हमारे पास डिस्क के नाम से हमारे पास फोल्डर है मौजूद। उसके अंदर दो मजीद फोल्डर हैं, एक है CSS और एक है JS। तो CSS के अंदर से हमें जो फाइल लेनी है वो है bootstrap.bin.css। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी, इस फाइल को मैं कॉपी कर रहा हूँ bootstrap.bin.css। और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पड़ा हुआ है C के अंदर एग्जाम में, htdocs tutorials_ci उसका नाम है, और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसको बनाया हुआ था, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ एसेट्स के फोल्डर को। तो जो हमारा मेन यानी जो रूट फोल्डर है यानी tutorials_ci, वहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसको हम नाम दे देंगे एसेट्स का, या जो भी आप नाम देना चाहें, या टेम्पलेट का भी नाम दे सकते हैं। तो मैं उसको नाम दे रहा हूँ एसेट्स और एंटर, और यहाँ से मैंने फिर एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया, उसको नाम उस पर मैंने जाकर लिखा CSS, एंटर। और अब मैं जाऊँगा अपने उस फोल्डर पे जहाँ पे ये bootstrap की फाइल मौजूद है bootstrap.bin.css, एंड आई विल कॉपी दिस फाइल
and simply paste it my folder. अगेन उसके बाद यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जेएस का, और अब हम जाएंगे वापस मूड स्टेप के फोल्डर जहाँ से मैंने फाइल्स को उठाना है। जेएस में जाने के बाद मुझे यहाँ से दो फाइल्स कॉपी करनी है, मूड स्टेप डॉट मिन डॉट जेएस जो कि नजर आ रही हो ये रही फूल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके अलावा अगर जेक्यूरी फाइल है जो मैं देखता हूँ अगर डेस्कटॉप पे मेरे पास मौजूद है तो मैं उसको उठा लेता हूँ, फिलहाल तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको ना करें, ठीक है यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास जो है एक हमने अपना टेम्पलेट हमने रेडी कर लिया है। अब हम जाएंगे अपने कोड इग्नाइटर के अंदर और सिंपली यहाँ पर अपना सबसे पहले हम अपना करेंगे क्रिएट करेंगे अपना कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर को मैं नाम दे दूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा पीएचपी क्लास और इसको नाम दे दूंगा मैं यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन, ये हमारे कंट्रोलर का नाम होगा। इस कंट्रोलर को फंक्शनैलिटी देने के लिए हमें पता है कि मुझे यहाँ पे इनहेरिट करानी पड़ेगी क्लास एक्सटेंड सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर, और यहाँ पर हमें एक मैथड क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन, इसको हम नाम दे देता हूँ मैं यूज़र या स्टूडेंट्स नाम देता हूँ स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन, और मेथड के लिए क्योंकि हमें मेथड क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे दो पैरेंथेसिस दो ओपन ब्रैकेट्स भी आएंगे, उसके बाद इस फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। इतना काम करने के बाद हम जाएंगे अपने व्यू के अंदर गए और सिंपली यहाँ पर जाके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, न्यू पीएचपी वेब पेज स्टूडेंट्स अंडरस्कोर व्यू, और टाइटल का नाम दे रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे हमें अपनी उन फाइल्स को ऐड कर लिंक कराना है या ऐड कराना है जो कि बूटस्ट्रैप की हमने अपने पास ऐड की हैं। और यहाँ पर हम उसको क्लोज कराता हूँ, पीएचपी, और यहाँ पर एको बेस अंडरस्कोर यू आर एल कॉन्कैटिनेट कराऊंगा, और मैं इसको क्योंकि अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दो नहीं डबल कोट्स दिए हैं, डबल कोट्स के अंदर फिर हम डबल कोट्स में काम नहीं करते तो एरर देगा तो जनरेट होगा, तो यहाँ पे सिंपली सिंगल कोट्स आएंगे। हमारे फोल्डर का नाम है अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो एसेट्स के अंदर हमारे पास जो फाइल मौजूद है वो है CSS, और CSS के अंदर हमारा फाइल जो है बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS कंट्रोल S, अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये काम कर रही है, हमने जो फाइल ऐड करी है क्या ये काम कर रही है या नहीं। तो पहले हम इस कंट्रोलर के अंदर आ जाएंगे डॉलर दिस लोड व्यू, क्योंकि हम अपना व्यू को लोड करवाने जा रहे हैं और हमारे व्यू का नाम है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर व्यू, मैंने इसको नाम दिया है ताकि हमें समझने में नाम नेमिंग में हमें मसला ना हो। आप जो चाहें अगर कुछ और नाम भी ले सकते हैं तो फिलहाल हमने ही नाम दिया है इसको, और अब इसको रन कर लेते हैं हम। और एक काम हमें और करना पड़ेगा, कॉन्फिग के अंदर जाके हमें अपना डेटाबेस जो हमने एप्लीकेशन कॉन्फिग डेटाबेस में आएंगे, डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर यूज़र नेम रूट लिखा हुआ है, तो अगर
मैं नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा तो हम इसको रूट नाम दे देते हैं, और हमारे डेटाबेस का जो नाम है वो है स्टूडेंट्स। ठीक है, डेटाबेस का हमारा नाम है स्टूडेंट्स, STUDENTS, कंट्रोल एस। ये काम करने के बाद मैं जाऊंगा ब्राउज़र के अंदर, लोकल होस्ट स्लैश ट्यूटोरियल अंडर स्कोर CI इंडेक्स डॉट इंडेक्स डॉट PHP। इसके बाद आएगा हमारे कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर का नाम है हमारा जो कि हमने क्रिएट किया है अपना यूजर अंडर स्कोर रजिस्टर्ड। वेट अ मिनट, ये मिक्स ना हो। एप्लीकेशन में जाएंगे, कंट्रोलर में गए, और ठीक है स्टूडेंट यूजर अंडर स्कोर रजिस्टर में गए, और हमारे मेथड का नाम है स्टूडेंट्स अंडर स्कोर रजिस्टर STUDENTS अंडर स्कोर एंटर। तो यहाँ पर एक एरर क्रिएट हो रहा है, अनेबल टू लोकेट द मॉडल यू हैव स्पेसिफाइड। ओके, कॉन्फिग में जाकर, ऑटो लोड में जाकर, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने पहले भी यूज़ करा है और वहाँ पे इन्हीं फाइल्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको अभी फिलहाल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये हमारे पास मॉडल का एरर दे रहा है, जो कि मॉडल अभी हमने यूज़ किया भी नहीं है, और तो इसको मैं फिलहाल मैंने रिमूव कर दिया है। बेस लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11 व्यू के अंदर हमारे पास एरर आ रहा है। व्यू पर लाइन नंबर 11 पर एसेट CSS। ओके, बेस अंडर स्कोर UL क्योंकि एक मेथड है, तो यहाँ पे हम इसके ब्रैकेट्स लगाने होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे एरर मौजूद नहीं है। अब हम जाएंगे पेज सोर्स के अंदर और जाके हम चेक करेंगे कि क्या हमारा बूटस्ट्रैप की फाइल यहाँ आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एसेट्स में CSS, CSS के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट विन डॉट CSS, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बूटस्ट्रैप का वर्जन और वो तमाम चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो इसका मतलब हमारी बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं। ठीक है, इट इज़ वर्किंग फाइन नाउ। सो अब हम जाएंगे अपने, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ऑटो लोड को भी क्लोज कर रहा हूँ। अब हम अपना यहाँ पे अपना एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर, और सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे क्लास यानी कंटेनर ले लेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर हम, क्योंकि हम नॉर्मली तमाम काम कंटेनर के अंदर ही करते हैं। फिर यहाँ पर मैं एक क्लास डेव एक और डेव ले लेता हूँ, और उसके अंदर हम ले लेते हैं एक क्लास, और क्योंकि मैं इस फॉर्म को दिखाना चाहूँगा मीडियम स्क्रीन के ऊपर 6 कॉलम्स के ऊपर, तो कॉल डैश MD डैश 6 डेव, और फिर मैं इसको थ्रू बाय यूजिंग द कार्ड्स मैं इसको डिजाइन करूंगा। डेव क्लास इक्वल्स टू कार्ड, कार्ड के अंदर भी उसका हेडर आ जाएगा डेव क्लास कार्ड डैश हेडर। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो है हमारे पास आ रही हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ये क्या हो रहा है। कार्ड हेडर यानी कि, और यहाँ पर हम इसमें इसमें एक हेडिंग दूंगा H3, इसका मैं साइज दे रहा हूँ, या H3 टैग के अंदर स्टूडेंट इन्फो मैं हेडिंग का नाम दे रहा हूँ। हेडर के बाद आता है कार्ड बॉडी, और यहाँ पर कार्ड बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर सिंपली एक पैराग्राफ पी टैग दे रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक सेंटेंस लिख लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
उसके बाद कार्ड बॉडी आ गई हमारे पास, इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह का आउटपुट आ रहा है ब्राउज़र के अंदर। ओके तो कोई टैग, ओके सही है, बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है, और हम जाके मजीद यहाँ पे अपना काम कर लेते हैं। कार्ड बॉडी को मैं देता हूँ फॉर्म टैग के अंदर, और कार्ड बॉडी जो बंद हो रही है उसके बाहर इसको हम बंद कराएंगे, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम अपने फॉर्म डिज़ाइन करेंगे मज़ीद, डेव लिख लेते हैं, डेव क्लास फॉर्म डैश ग्रुप, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक लेबल, और लेबल के को मैं दे रहा हूँ नेम, जो मैं टैग यहाँ पे नज़र आएगा फॉर नेम इनपुट, इनपुट टाइप हमारी क्या होगी, वो होगी टेक्स्ट। नेम क्या होगा उस टेक्स्ट बॉक्स का, तो हम दे रहे हैं नेम, मैं दे रहा हूँ नेम, और आईडी दे रहा हूँ नेम, आईडी और जो एचटीएमएल जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी, या उड़ीसा को उन्हें पता है कि ये किसकी है, कि फॉर लेबल के लिए अंदर जो फॉर जो एट्रीब्यूट है, और जो इनपुट के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट है, आपस में लिंक्ड होते हैं। तो जो नाम आप इसका लेंगे, इसका इस फॉर क्या, वही आप इस आईडी का लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्लास और है लगाएंगे, क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल, और प्लेस होल्डर हमारे पास आएगा एंटर और नेम, और ये यहाँ पे क्लोज कर देंगे स्टैक को हम। तो ये हमारे पास नेम आ गया, और हम मज़ीद ले लेते हैं कंट्रोल सी करके, क्योंकि एक बार हम डिज़ाइन एक के लिए हम कर चुके हैं, तो बाकी के लिए हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जो हमारे फॉर्म में वैल्यू, जो हमारे डेटाबेस में हमने लिए हैं फील्ड्स, वो हैं हमारे पास नेम ईमेल पासवर्ड, नेम ईमेल एंड पासवर्ड, तो ये हो जाएगा ईमेल, ईमेल। ओके द सिस्टम हैज बीन स्टॉप हियर, वेट अ मिनट फॉर वेट फॉर फ्यू मिनट्स हियर। ओके ईमेल हमारे पास आ जाएगा, और मैं इसको नाम दे दूंगा ईमेल, आईडी भी हम ले लेते हैं ईमेल, और इधर भी आ जाएगा हमारे पास ईमेल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और अब हमारे पास आएगी जो फील्ड वो है पासवर्ड। फॉर में मैं लिख दे रहा हूँ PASS पास, नेम मैं पूरा लूँगा PASSWORD पासवर्ड, और आईडी में वही लूँगा जो फॉर्म में डिफाइन किया पास, ठीक है। प्लेस होल्डर में आके ज़रा एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। मज़ीद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे एक बटन दे देंगे, और डिफ क्लास फॉर्म ग्रुप, और अब यहाँ पे एक बटन देंगे कि जिस बटन पे मैं काम करें, बटन के एक्शन, बटन पर एक्शन क्या हो, बटन क्लास इक्वल टू BTN डैश ब्लॉक BTN, उसका हम कलर डिफाइन करना था BTN डैश प्राइमरी, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंटर। सो देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स साथ साथ जो हमें अपने जहन में रखनी है, कि ऑटो लोड के अंदर हमें कुछ क्लासेस को, हमें जो है वो लाइब्रेरी क्लासेस को और हेल्पर क्लासेस को हमें डिफ़ाइन करना होगा। लाइब्रेरीज में अगर हमें डेटाबेस है,
फॉर्म वैलिडेशन को हमने अपने कंट्रोलर के अंदर लोड करवाया है। अगर हम चाहते हैं कि मैं ये लाइन ना लिखूं, इफ़ यू वांट टू स्किप दिस लाइन, तो फिर इसका तरीका ये है कि फिर आप यहाँ पर फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन लाइब्रेरी क्लास में ऑटो लोड के अंदर जाके हमें ऐड करवानी पड़ेगी। इसके अलावा हेल्पर क्लासेस हैं, इसके अंदर हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, फॉर्म हैं, यूआरएल है, और इसके अलावा हमारे पास है होता है फॉर्म है, यूआरएल है, टेबल भी, फॉर्म, यूआरएल एंड एंड एचटीएमएल, दीस आर द क्लासेस विच वी नीड टू ऐड इन हेल्पर क्लास। सो नाउ वी कैन सी दिस इफ वी आई एम रिफ्रेशिंग दिस। और अगर मैं इसको, मैं यहाँ पर दिखाना भी चाहता हूँ, अगर मैं इनको यहाँ पे ऐड नहीं करवाता, मैंने इसको ऐड नहीं किया, और यहाँ से डेटा जो लाइब्रेरी क्लास है उसके नाम से अगर हम डेटाबेस को और फॉर्मल एडिशन को अगर हम रिमूव करें ना करें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि हमने उसको वहाँ पर ऑलरेडी लोड करवाया है, तो भारत उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं डेटाबेस को भी रिमूव करता हूँ और फिर मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं इसको अगर ब्राउज़र में आके रन करता हूँ, तो यहाँ पे एरर्स जनरेट होंगे। बेस अंडरस्कोर यूआरएल का हमारे पास एक एरर जनरेट हुआ है, जो कि व्यू के अंदर हमने, हम क्योंकि बेस अंडरस्कोर यूआरएल कॉल कर रहे हैं काफ़ी जगह, तो इसलिए इन क्लासेस को हमें ऐड करवाना पड़ेगा, हेल्पर क्लासेस को और लाइब्रेरी के अंदर जो क्लासेस हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है या जो हमारा जो कोड है स्मूथली रन कर सके और जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो अपनी जगह पर कायम रहे। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये एक हमारी, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हमारी नॉर्मली वर्क करती रहेंगी। तो हमारा जो फॉर्म है वो डिज़ाइन हो चुका है, यानी व्यू वाला काम तकरीबन हमारा हो चुका है। अगर हम इसको देखना चाहें कि हमारा आउटपुट किस तरह से आ रहा है, तो सिंपली वी विल गो इन द ब्राउज़र एंड वी विल सी दिस। ओके, तो हमारा फॉर्म, हमारा काम जो है डिज़ाइन हमारा आ चुका है। अब हम जाएंगे अपने व्यू के कंट्रोलर के अंदर और सारा काम हमें वहाँ से करना होगा। उससे पहले हम वापस चलते हैं अपने फॉर्म में, और यहाँ पर हमें फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हमें डिफाइन करने जो कि हमने नहीं किए, फॉर्म मेथड, फॉर्म एक्शन, कि फॉर्म जब क्लिक हो बटन पे तो फॉर्म कहाँ जाए, फॉर्म एक्शन आएगा यहाँ पे, और सेकंड एट्रीब्यूट जो है मेथड का दे देते हैं। मेथड क्या हो, तो मेथड होगा हमारे पास पोस्ट और एक्शन हमारे पास होगा PHP echo base underscore URL। कॉन्कैटिनेट करवाएंगे हम इसको, और यहाँ पर हमारा यूआरएल का बाकी पार्ट आएगा, index.php/, और जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर का हमारे नाम है, यूज़र अंडरस्कोर रजिस्टर्ड का जो हमने शॉर्ट फॉर्म ली है, तो वही हम यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर रज, REG, यूज़र अंडरस्कोर रजिस्टर्ड का REG आ जाएगा, और हमारे मेथड का नाम है यानी फंक्शन का नाम होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रजिस्टर्ड, तो हम ना लिख देंगे स्टूडेंट्स अंडर स्कोर रजिस्टर्ड। मेथड का नाम मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स अंडर स्कोर रजिस्टर्ड, ठीक है। और बेस अंडर स्कोर यू वाली क्योंकि एक मेथड है, तो सिंपली यहाँ पे उसके ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एस। ओके, अब हम आ जाएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर और अब हमें यहाँ पे काम करना है अपना। तो अभी अगर हम देखते हैं इस फॉर्म को, तो अभी यहाँ पे कुछ खास होने ही रहा होगा। अगर मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो जाहिर बात है क्योंकि हमने इसको कुछ भी नहीं किया, ना ही डेटाबेस में वैल्यू जा रही है और ना ही ये कोई एक्शन परफॉर्म कर पा रहा है सिंपली, मगर हमारा बटन पे जो क्लिक है वो हमारा यूआरएल हमें शो कर रहा है। यह हो गया हमारा बेस यू आर एल, बाकी index.php, यूजर अंडर स्कोर रजिस्टर और स्टूडेंट अंडर स्कोर रजिस्टर का मेथड। तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और
अब हमें काम करना है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास लोड कराऊंगा $10 लोड लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी का नाम है फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन। $10 फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन, और एक्सेस मॉडिफायर सेट अंडरस्कोर रूल्स। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम अपने वैलिडेशन रूल्स डिफाइन करेंगे कि अगर कि फॉर एग्जांपल कि अगर नेम के जो टेक्स्ट बॉक्स है एम्प्टी है, ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स अगर एम्प्टी है और पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है या उनमें सही वैल्यूज पास नहीं हो रही हैं, तो हमको उसको वैलिडेट करवाना होगा, ठीक है, कि एम्प्टी वैल्यू ना जाए डेटाबेस के अंदर। तो वो काम सारा हमें अपने तौर पर ही यहाँ पर हमें चेक करना होगा, और यानी फॉर्म में वैल्यूज जाने से डेटाबेस में वैल्यूज भेजने से पहले हमें वैलिडेशन करवानी होगी। तो जो हमारा पहला टेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है, पहला इसका नाम है नेम, और इसका नेम हमने नेम ही रखा था, नेम कॉमा, और यहाँ पर मैं दूंगा इसका कि जो हम लिखवाना चाह रहे हैं क्या रिक्वायर्ड है, तो नेम, और मैं इसको दे रहा हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर एम्प्टी आप छोड़ रहे हैं तो उसको हमें फिलअप करना है। तो फिलहाल पहले हम इसका रिक्वायर्ड ही करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, नेम है, और सेकेंड हमारे पास है ईमेल, और थर्ड है हमारे पास पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड का इन्होंने इसको सेट नहीं किया, कंट्रोल एस, ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ ईमेल, और यहाँ पर वो नाम आएंगे जो कि हमने इनके नेम डिफाइन किए हैं। तो ईमेल में हमने नेम डिफाइन किया ईमेल, और पासवर्ड हमने नेम डिफाइन किया है पासवर्ड, तो यहाँ पर हमें पासवर्ड ही लिखना होगा, और ईमेल रिक्वायर्ड तो ईमेल रिक्वायर्ड, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है हमें, तो पासवर्ड में लिख दूंगा PASSWRD। हाँ, अब हम यहाँ पे कंडीशन एक पास करवाएंगे, इफ डॉलर दिस फॉर्म वैलिडेशन रन, तो क्या करे और ट्रू पे क्या करे। तो मैं अभी पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन पास कराई है, यानी कंडीशन बनाई है कि अगर फॉर्म वैलिडेशन जो है हमारे पास फॉल्स हो रही है तो क्या करे, वो हमें इस फॉर्म पे ही रखे, यानी जो फॉर्म है हमारा हमें उससे आगे जाने ना दे, ठीक है। और एल्स पे क्या करें, तो एल्स पे क्या होगा एल्स हम चाहेंगे अगर अगर फॉर्म वैलिडेशन ट्रू हो जाती है तो क्या करें, तमाम की तमाम वैल्यूज को डेटाबेस में इंसर्ट करा दें। तो अभी फिलहाल अब व्यू में जाएंगे, और हमें अगर हमें उसको प्रिंट करवाना है उन एरर्स को कि क्या एरर हमें शो हो रहा है, तो हर पहला वाला नेम की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पी टैग, और मैं दे रहा हूँ क्लास इनवैलिड फीडबैक, ये जो है पूरी स्टेप की क्लास है, और इसके बाद हमें यहाँ पे PHP एको फॉर्म अंडरस्कोर एरर और यहाँ पर उस फील्ड का नाम आएगा जो कि उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, तो क्या है, नेम ही हमने डिफाइन किया है, NAME name। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, और यार ये वैल्यूज कितनी कहाँ से उठ के आ गई हैं, इसको फिर मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे अभी हमने खाली एक फील्ड की बात करी है, तो ये हमारा फॉर्म वैलिडेशन का जो पहला स्टेप है वो हमारा मतलब रन थ्रू हो रहा है, वो चल रहा है, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड कि जब ये एम्प्टी है, ठीक है। तो इसी तरह हम बाकी पर भी करेंगे, और
जो मैंने यहाँ लिखा है पी टैग के अंदर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, सेविंग द वैल्यूज, यहाँ पर आ जाएगा उस फील्ड का नाम जो कि यहाँ पर उसका नेम है। तो नेम है इसका ईमेल और यहाँ पर आ जाएगा नेम में पासवर्ड। ठीक है, जाते हैं अपने वापस ब्राउज़र के अंदर और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखें, मैं इसको दोबारा से इसको लोकल होस्ट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर सी आई और कंट्रोलर का नाम है हमारे, कंट्रोलर का नाम है हमारे यूज़र अंडरस्कोर रजिस्टर यूज़र, और हमारे जो मेथड है उसका नाम है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रजिस्टर। ठीक है, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रजिस्टर, एंटर। तो हमारे पास एक फॉर्म आ गया, ये वैल्यूज बाय डिफॉल्ट उठा के ला रहा है इसको, मतलब कहाँ से लोड हो रही है मुझे वो समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने तमाम चीज़ों को मैंने एम्प्टी रखा है और मैं एंटर कर रहा हूँ। तो एंटर करने पे हमें नज़र आ रहा है कि नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड और पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो हमारे पास ये मैसेज शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एल्स पे जाके हम क्या करेंगे, हम अब हमें काम कर कि ये जो लाइन है ये क्या कह रही है कि अगर फॉर्म वैलिडेशन जो है फॉल्स है, यानी फॉर्म वैलिडेट सही नहीं, वैल्यूज़ जो है वैलिडेट नहीं हो रही हैं, यानी कि यूज़र ने डाटा सही इंपोर्ट नहीं करवाया है, तो क्या अगर उसको एरर शो कराए और उस फॉर्म पर ही रखे जो काम अभी हमने करा है, यानी फॉर्म पर ही रखे और एरर्स को शो करा दे। एल्स के ऊपर क्या हो, यानी अगर फॉर्म वैलिडेशन ट्रू हो जाए तो हमें यहाँ पर अब हम क्रिएट करेंगे अपना एक मॉडल, और मॉडल में जाके मैं उसको नाम दे देता हूँ न्यू पी एच पी क्लास और यूजर स्टूडेंट ही नाम देता हूँ मैं, स्टूडेंट अंडर स्कोर एम। और यहाँ पर हमें एक मेथड क्रिएट करना होगा पब्लिक फंक्शन एड अंडर स्कोर स्टूडेंट। ये मैं हम मेथड का नाम दे रहे हैं कि यहाँ से हम यूज़र को यानी डेटाबेस के अंदर अपने जो रिकॉर्ड है वो एंटर कराएंगे। ठीक है, यानी इंसर्ट होगा सिंपली और डॉलर दिस एक्सेस मॉडिफायर डीबी डेटाबेस को पॉइंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है इंसर्ट। ये दो पैरामीटर्स लेगा, पहला क्या होगा और दूसरा क्या होगा। तो पहला जो होगा वो हमारा आ जाएगा डेटाबेस के अंदर जो टेबल जिसके नाम वैल्यूज इंसर्ट कराएंगे उसका नाम। तो टेबल का नाम है स्टूडेंट्स अंडर स्कोर आर ई थी, यानी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अंडर स्कोर आ रही थी। और जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट आएगा वो आएगा एरे। तो मैं यहाँ पे एक एरे ले रहा हूँ और मैं उसका नाम दे रहा हूँ डॉलर एड, वही एरे यहाँ पास होगा डॉलर एड, क्योंकि कोऑर्डिनेटर के अंदर जो तमाम काम है वो थ्रू एरेज हो रहा है होता है। तो ये हमने अब इतना काम कर लिया। अब हम आ जाएंगे वापस अपने कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर अपने मॉडल को लोड कराएंगे, डॉलर दिस लोड मॉडल, और मॉडल का नाम आ जाएगा, हमारे मॉडल का नाम है स्टूडेंट अंडर स्कोर एम, और यहाँ पे आ जाएगा सेमी कोलन। अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक एरे, एरे का नाम हम दे रहे हैं डॉलर एड सेमी कोलन, और इस एरे के अंदर हम अपनी उस डेटाबेस यानी जो वैल्यूज पोस्ट होंगी थ्रू द फॉर्म उसको हम डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे। और अब क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे डेटाबेस की जो फील्ड है, पहली फील्ड है नेम, ये एसोसिएटिव एरे भी है और नेम, और फिर यहाँ पर आ जाएगा डॉलर दिस इनपुट मॉडिफायर पोस्ट, पोस्ट जब वैल्यू होगी तो राउंड ब्रैकेट्स में आएगा और इसमें यहाँ पे उसका नाम आएगा उस फील्ड का। तो हमारी जो फील्ड है उसका नाम है नेम और यहाँ पर एरर आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ कॉमा,
मैं ऐसे कर लेता हूँ कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी, और नेम के बाद मैं देता हूँ इसको, जो सेकंड हमारी फील्ड है वो है ईमेल, और हमारे जो कैपिटल में है वो ई एम ए आई एल मेल, जबकि जो हमारे फॉर्म में है वो है स्मॉल में ईमेल में, तो ईमेल कंट्रोल वी। और जो थर्ड हमारे पास जो है वो है पासवर्ड, और यहाँ पर उसका नाम है पासवर्ड स्मॉल में PWSWRD। और जो फोर्थ वैल्यू है वो है क्रिएटेड अंडरस्कोर एट यहाँ पे हम डेट का फंक्शन कॉल करेंगे कॉलम के अंदर Y-M-D, ठीक है। ये जो वैल्यू है फॉर्म से एंटर नहीं हो रही है, ये जब वैल्यूज इंसर्ट होंगी तो उस टाइम जो है टाइम डेट और टाइम जो है वहाँ पर सेव हो जाएगा, जो भी हमारे पास उस टाइम वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अपने मॉडल को कॉल किया है और यहाँ पर इस मॉडल के मेथड को एक्सेस करेंगे डॉलर दिस, मॉडल का नाम है हमारे स्टूडेंट अंडरस्कोर एन, और उसका जो मेथड है वो है एड अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है, एड अंडरस्कोर स्टूडेंट। और यहाँ पर हम इस एरे को पास करवाएंगे, जो हमारा एरे है उस एरे को हमने नाम दिया है डॉलर एड का, ये जो एरे है मतलब ये जो जब पहले यहाँ पे हमने मॉडल को लोड करवाया और तमाम वैल्यूज जो फॉर्म से पोस्ट हो गई इस फील्ड में, मतलब इन जो कॉलम्स के अंदर, उसके बाद क्या होगा हमारा जो है मॉडल का ये वाला मेथड चलेगा और तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी, तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारा मॉडल का नाम आ गया, ये हमारे मॉडल का मेथड आ गया, और ये एरे जो है तमाम वैल्यूज़ को लेकर जाएगा इस मॉडल के पास, और यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है डॉलर दस एक्सेस मॉडिफायर डी बी एक्सेस मॉडिफायर इंसर्ट, ये क्या करेगा, इंसर्ट करा देगा उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ को जो कि हमने पास कराई है अपने फॉर्म से, और जब वैल्यूज़ को पास करा दे तो फिर क्या हो, रीडायरेक्ट करवा दे, रीडायरेक्ट बेस URL, हम चाहेंगे हमारे फॉर्म के ऊपर वापस आ जाए इंडेक्स .php/, और जो हमारे कंट्रोलर का नाम है वो है user_register, और उसका जो मेथड है वो है students_register, यानी कि जब वैल्यूज इंसर्ट हो जाएं तो उसके बाद उसको वापस इस पेज पर लेकर आए, तो अब देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है, कंटिन्यू ओके, इसको हम करते हैं दोबारा टाइप कर लेते हैं, रिफ्रेश करने को नहीं कर रहा है, लोकल होस्ट स्लैश ट्यूटोरियल अंडरस्कोर CI, और हमारे मेथड का नाम है students_register। अभी हम चेक करते हैं कि मैं लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं देता तो क्या हो रहा है, तो इसने हमें वो एरर थ्रो कर दिया, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ अहमद फर्स्ट नेम, ईमेल दे देता हूँ मैं ahmed_khi@gmail.com, और पासवर्ड में दे देता हूँ पाकिस्तान, एंटर करते हैं ओके। तो यहाँ पर एरर कुछ आ रहे हैं, कंप्लीट देखें, लाइन नंबर 18 पर एक एरर आ रहा है मॉडल के अंदर, हमारे पास मॉडल के अंदर स्टूडेंट्स अंदर इसको मॉडल लाइन नंबर 18 लाइन नंबर 18 पर हमारे पास आ रहा है डॉलर दिस DB इंसर्ट ओके। यहाँ पर हमने इनहेरिट नहीं करवाई है क्लासेस एक्सटेंड्स CI_model
आई होप कि अभी एरर ना आए, चेक कर लेते हैं इसको। ओके तो अब हम जा, तो ये हमारा काम कर रहा है। सो दिस दिस कोड हैज़ बीन फंक्शनिंग क्वाइट वेल नाउ। तो अब हम जाके डेटाबेस हम देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ आई हैं या नहीं आई हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास आ चुकी है, आईडी हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। ठीक है, एक वैल्यू हम और इंसर्ट करा के देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। मैं नाम देता हूँ शराज, ईमेल है शराज@द रेट, ईमेल अभी फ़िलहाल कुछ भी हो सकता है, तो रैंडम ईमेल कुछ भी डाल सकते हैं। और पासवर्ड है इसका कुछ भी आप दे सकते हैं। हमने इसको एंटर करा और ये बिल्कुल ठीक है, ये काम कर रहा है। इसे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, पासवर्ड को हमने इंक्रिप्शन नहीं करी है, तो उसकी इंक्रिप्ट कर लेते हैं। तो एक काम हमें और करना पड़ेगा, जो हमारा कंट्रोलर है पासवर्ड के अंदर, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ MD5 और मैं इसको ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ इन तमाम लाइन को। तो अब जो हम वैल्यू इंसर्ट कराते हैं, एक और यूज़र हम इंसर्ट करा देते हैं, उसका नाम दे रहे हैं अली, और ali@gmail.com पासवर्ड दे देते हैं और ईमेल दे देते हैं, पासवर्ड हम कुछ भी दे देते हैं। तो अभी जो हमने पासवर्ड दिया है वो बग़ैर इंक्रिप्शन के वहाँ पे सेव हो रहे हैं। तो यानी देख सकते हैं कि पहले वाला पाकिस्तान आया, दूसरा वाला UR, तो यानी ये फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी पासवर्ड हमारे पास इंक्रिप्टेड फॉर्म में आना चाहिए। तो ये हमारे पास आ चुका है। हमने सिंपली क्या किया है कि इस जो भी हमें वैल्यू जो हमें मिले पोस्ट हो, उसे क्या करें वो MD5 जो है हमने यानी इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, इंक्रिप्शन करने के लिए, तो उसको पहले इंक्रिप्ट करें पासवर्ड को और फिर उस कॉलम में भेज दे। तो यही काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, तो ये काम हमारा एग्जैक्ट हो रहा है जो कि हम चाह रहे हैं, जिस तरह की हमें वैल्यू चाहिए थी। एक चीज़ इसके अंदर हम एक और देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो है, हमने तीन वैल्यू, तीन स्टूडेंट्स को हमने रजिस्टर करा है। और एक चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं ईमेल में कुछ भी डाल देता हूँ तो, और मैं नेम दे देता हूँ, नेम भी मैं कुछ भी दे रहा हूँ, नेम चले रैंडम जॉब जॉन हम नाम दे रहे हैं। ईमेल मैंने प्रॉपर फॉर्म में नहीं इंसर्ट करा आईडी का, और ये मैंने पासवर्ड दिया, तो ये एंटर हो रहा है। और हाँ, तो ये अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हम देख रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर आ चुका है और ईमेल जो है प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। मैं इसको फिलहाल इसे डिलीट कर रहा हूँ ताकि इस फॉर्म में तो हमें डाटा नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं ईमेल पे, अगर हम आए रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा पाइप का साइन, वैलिड अंडरस्कोर ईमेल, और अब हम करते हैं जेवेशन जॉन। और ईमेल में अभी भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं डाल रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर इसका डोमेन होना चाहिए और @ का सिंबल होना चाहिए, तो मैंने अभी इंसर्ट नहीं करा है। तो चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, द ईमेल फील्ड मस्ट कंटेन अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो इसने क्या करा कि वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ जाऊँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसने डाटा को एंटर होने नहीं दिया, उसने डाटा को वहीं पे रोक दिया। जो भी इसने हम फील्ड्स उन टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू जो डाटा पास करवा रहे हैं, वो क्योंकि वैलिडेशन ट्रू नहीं हुई, तो उसने उसको यहीं पे रोक दिया और एरर जनरेट करा है। तो अब हम देखते हैं JO HN John, और मैं ईमेल है फॉर एग्जाम्पल इसका john_2020@gmail.com, और यहाँ पर उसका पासवर्ड दे रहे हैं, एंटर करता हूँ मैं। तो जी हाँ, ये अब वैल्यूज डेटाबेस में जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम चाहें कि ईमेल एड्रेस जो है वैलिड हो, वैलिड हमने कर लिया, यूनिक हो, यानी कि हर किसी का जो, यानी दो किसी कोई दो स्टूडेंट्स का या दो या किसी जो जो ईमेल एक बच्चा ले चुका है वो दूसरा बच्चा ना बना सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ पीटर, और
मैंने पापा ईमेल दिया, लेट से मैंने इसका जॉन अंडरस्कोर, और यहाँ मैंने इसका पासवर्ड जनरेट किया, एंटर करा, तो अभी भी क्या हुआ, डेटाबेस में वैल्यू चली गई है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ईमेल तो सब दोनों स्टूडेंट्स का अलग, या दोनों बच्चों का, या दो का, दोनों जो पर बच्चे हैं उनका अलग होना चाहिए, तो ऐसा तो ये लॉजिकली ये चीज़ सही नहीं है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इस अंडर स्कोर यूनिक, यानी ये रूल्स हमें डिफाइन करने हैं, और एरे बनेगा, यहाँ पर टेबल का नाम आएगा, हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स अंडर स्कोर रजिस्टर्ड, यानी स्टूडेंट्स अंडर स्कोर STU, स्टूडेंट्स अंडर स्कोर REG डॉट, और उस कॉलम का नाम, तो कॉलम का नाम है ईमेल, ठीक है, ईमेल सही है। और अगर हम इसको देखते हैं, तो अब हम इसको रन करते हैं और सेव करते हैं पहले इसको, और हम रन करके देखते हैं अब क्या हमारे पास हो रहा है, या क्या किस फॉर्म में आ रहा है। मैंने यहाँ पे नाम दिया SH शुएब, और मैंने उसको वही पास ईमेल दे रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया है, यानी कि जॉन _2020, तो देखते हैं कि जॉन, और यहाँ पर हमने पासवर्ड दे दिया, एंटर करा, तो अब हमारे पास एक, उसने जब हमने इसको, यानी हमने वैल्यू, जब हमने एक और रूल ऐड कराया, इसके अंदर वैलिड ईमेल होना चाहिए, और उसके बाद क्या हो, इस _ यूनिक हो, और इस _ यूनिक के लिए भी एक रूल है, और कि वो जो ईमेल जो भी हो यूनिक होना चाहिए, तो फिल्टर करेगा और चेक करेगा कि यूनिक है या नहीं, अगर यूनिक है तो ही वो डाटा को जाने देगा, वरना वो उसको स्टॉप कर देगा, और फॉर्म वैलिडेशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, जब फॉल्स होगी तो उसी फॉर्म पर हमें रोक लेगा। तो अगर आप इसका कस्टम मैसेज आप इसका प्रिंट कराना चाहते हो, तो हम वो भी कर सकते हैं, $this एक्सेस मॉडिफायर फॉर्म वैलिडेशन, और यहाँ पर हम मैसेज सेट कराएंगे, सेट _ मैसेज, इस _ यूनिक जो हमारा रूल जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कॉमा, और जो मैसेज हम शो कराना चाह रहे हैं, योर ईमेल एड्रेस शुड बी यूनिक, ईमेल एड्रेस शुड बी यूनिक, कैन नॉट बी, और कॉमा में, ठीक है, तो फिलहाल मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसको रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे मैं रिफ्रेश करा, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें मैसेज भी मिल चुका है, ईमेल एड्रेस शुड बी यूनिक। तो अब हम करते हैं शुएब, और मैं ईमेल एड्रेस शुएब, दोबारा मैं वही डालता हूँ जॉन, और पासवर्ड दे रहा हूँ, तो अगेन, सो अगेन यू कैन सी हेयर कि उसने हमें उन वैल्यूज को आगे जाने नहीं दिया, और ईमेल एड्रेस शुड नॉट शुड बी यूनिक का हमें मैसेज हमें दे दिया, जो कि हमने कस्टम एक मैसेज क्रिएट किया है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास वो वैल्यूज़ नहीं आई हैं। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट, यानी 6th1, आई एम डिलीटिंग द 6th1, और उसके बाद हम एक इसको भी रिफ्रेश करते हैं, और मैं अब यहाँ पे नाम देता हूँ शुएब, और शुएब _ park@gmail.com, और यहाँ पर हमने इसका एक पासवर्ड जनरेट किया, एंटर किया मैंने, और तो ये वैल्यू चली गई हैं, और अब हम देखते हैं रिफ्रेश करके, तो तमाम काम हमारा प्रॉपर हो रहा है, और डेट भी हमारे पास आ रही है, पासवर्ड भी हमारे पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है, ईमेल और नेम भी हमारे पास आ चुके हैं। सो आई होप कि दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प यू, एज आई हैव डिस्कस सम बेसिक थिंग्स, हाउ टू रजिस्टर अ पर्सन और स्टूडेंट थ्रू कोड इग्नाइटर इन द डेटा बेस। तो ये एक हमारे पास एक बेसिक सा हमने एक काम किया है कि हम किस तरह से वैल्यूज़ को हम इंसर्ट करवा सकते हैं, किस तरह से उनको वैलिडेट करवा सकते हैं अपने फॉर्म को। आई होप कि आपको समझ में आएगा, और आई विल नीड योर फीडबैक, आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, अल्लाह हाफिज़।